क्या आप भी चाहते हैं अटेंडेंस शीट को एक क्लिक में कैलकुलेट करना कि कितना प्रेजेंट है और कितना एब्सेंट? क्या आप चाहते हैं अटेंडेंस परसेंटेज को एक ही क्लिक में कैलकुलेट करना? जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है और आपको यहाँ पे एब्सेंट करना, तो आप चाहते हैं ये तुरंत कैलकुलेट करें प्रेजेंट, एब्सेंट और अटेंडेंस परसेंटेज को भी। तो देख लीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, संध्या क्लासेस आप आपका हार्दिक स्वागत करता है। क्या आप भी ठीक इसी तरह से अटेंडेंस शीट को बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे इस तरह की अटेंडेंस शीट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन करके उसमें आपको एक शीट ले लेनी है दोस्तों, ठीक है? आगे यहां सबसे पहले आपको आपको फर्स्ट रो में आपको अपने सेंटर, इंस्टीट्यूट या कंप्यूटर सेंटर का नाम लिखना है दोस्तों, ठीक है? तो यहां पे लिखना है पहले आपको संध्या क्लासेस हापुड़, ठीक है दोस्तों? क्योंकि हमने यहां पे अपने का लिखा है, क्योंकि हम लोग अपने सेंटर का बना रहे हैं, ठीक है? सेकंड में देख लीजिए, हमने यहां पे सेकंड में अटेंडेंस शीट को लिया है, ठीक है? कि अटेंडेंस शीट हमको यहां पे लिखना है, ठीक है? यहां लिखना है अटेंडेंस शीट, ठीक है? कौन से महीने की? सितंबर 2023, ठीक है दोस्तों? अब आपको यहां पे लिखना है डेट, यहां पे डेट लिखना है आपको, ये रहा दोनों को सेलेक्ट करना है। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको ड्रैग करना है लेफ्ट राइट, क्योंकि सितंबर होता है दोस्तों 30 का, तो हमें यहां पे 30 तक इसको लेना है अभी फिलहाल, ठीक है? ये रहा 30 तक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कॉलम से सेलेक्ट करना है, ठीक है? एक तारीख तक, और अपने हिसाब से इसकी विड्थ को हमें अपने हिसाब से ले लेना है, क्योंकि अभी हमें प्रेजेंट और एब्सेंट भी लिखना है, ठीक है दोस्तों? ये रहा, यहां पे अभी हमने लिखना है प्रेजेंट, ठीक है? और यहां पे एब्सेंट, यहां पे अटेंडेंस परसेंटेज, ठीक है दोस्तों? इस दोनों को यहां पे ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों? यहां पे अभी हमने लिखना है एक तारीख का, सितंबर में फ्राइडे था दोस्तों, ठीक है? तो यहां पे फ्राइडे और यहां हमने 30 तारीख तक इसको ले लेना, ठीक है? हो गया दोस्तों। यहां पे हम लोगों को लिखना है नेम, यहां पे नेम लिखना है दोस्तों आपको स्टूडेंट्स का, ठीक है? जैसे राम, टाइम को बचाने के लिए दोस्तों पहला वाली शीट जो हमने कैलकुलेट की हुई है इसमें से हमको नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों? आगे दोस्तों, अब यहां इन दोनों कॉलम्स को, सॉरी इन दोनों रोज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज अक्रॉस पे जाना है, ठीक है? इसको मिड में करना है, ठीक है? यहां से आपको फॉन्ट चेंज कर लेना है। फॉन्ट चेंज करने के बाद इसका आपको साइज बढ़ा लेना है, ठीक है दोस्तों? अब इसमें आपको कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपको ऑल बॉर्डर कर लेना है, ठीक है दोस्तों? यहां पे अब नाम को सेलेक्ट किया था हमने, इसको यहां पे मार्सेल कर दो इसको, ठीक है? और यहां पे इसकी स्टाइल्स को चेंज कर दो, ठीक है दोस्तों? ये रहा, ठीक। अब यहां पे हम लोगों को जो डेज के नेम है उन्हें यहां पे सेलेक्ट करना है और इसकी स्टाइल्स को हमें चेंज कर लेना, ठीक है दोस्तों? हो गया। अब प्रेजेंट को भी मार्सेल कर लेते हैं और इसको स्टाइल चेंज कर लेते हैं, एब्सेंट मर्ज और अटेंडेंस को भी यहां पे मर्ज करके इसकी स्टाइल्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? हो गया इतना, ठीक। अब यहां पे इसमें हम लोगों को अपना कलर ले लेना है, ठीक है? या इसमें कलर लेंगे हम लोग, ये वाला ले लेते हैं और ये, ठीक, सही लग रहा है, ठीक है? अब जो ये संडे है, संडे को सेलेक्ट करेंगे हम लोग कंट्रोल से, जितने भी हमारे संडे हैं ये, ठीक है? ये रहे संडे, इनको हमें करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहां से इनको कर लेना है रेड, क्योंकि उस दिन हमारी होती है दोस्तों
छुट्टी यानी कि हॉलीडे, ठीक है। बाकी ये वाले जो हैं आपके, इनको अभी आपको करना है कलर में, तो कोई भी अच्छा सा एक कलर ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, यही वाला कलर ले लेते हैं। आप एक साथ भी कर सकते हो, कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आप यहां से एक साथ भी कलर ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहां से आपने सेलेक्ट किया और यहां से कंट्रोल बी करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा इसको मोटा दिखाना है, ठीक है, और कंट्रोल ए, और इनको मिड में कर लेंगे सबको, ठीक है। अब ये जो हमारी रो है इनको हमने करना है सेलेक्ट और इनकी थोड़ी हाइट को बढ़ा लेना है, ठीक है दोस्तों, बढ़िया। मेरा हल्की सी और बढ़ा लेना, आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये जो डेट है आपकी, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है, ये रही डेट, डेट को सेलेक्ट आपने यहां से कर लिया और आपने यहां से ले लिया, ठीक है। नेम, नेम को भी सेलेक्ट कर लिया हमने यहां पे, और इसका भी हमने थोड़ा कलर चेंज कर लिया जो थोड़ा सा अच्छा लगे हमें देखने में, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे हमें फ्राइडे सैटरडे यानी कि बाकी संडे को छोड़ के अब हमें इसमें प्रेजेंट और एब्सेंट को इसमें फिल करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी हम लिखें तो इन सेल्स में फ्राइडे और सैटरडे यानी कि संडे वाले सेल्स को छोड़ के केवल प्रेजेंट और एब्सेंट ही लिखा जाए, बाकी कुछ ना लिखा जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल के साथ इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है दोस्तों, आपको जाना है डेटा, डेटा में जाना है डेटा वैलिडेशन और यहां पे सेटिंग्स, सेटिंग्स पे जाना है एनी वैल्यू और यहां पे जाना है लिस्ट। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए पी, पी चाहिए हमें प्रेजेंट के लिए और ए चाहिए हमें एब्सेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। यहां पे एरर अलर्ट कि हमें केवल पी और ए ही टाइप होना चाहिए और अगर हम दूसरा कुछ भी टाइप करते हैं तो यहां पे ये एरर दे, तो क्या एरर देना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए सॉरी, ठीक है, और मैसेज क्या है, वहां पे मैसेज आए प्लीज ओनली प्रेजेंट फॉर पी और एबसेंट फॉर ए, ठीक है दोस्तों, यानी के पी और हमें ए चाहिए बस, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देख लीजिए, लिख के देखते हैं, पी फॉर प्रेजेंट आ गया, ए फॉर एबसेंट, अब यहां पे हम डब्ल्यू लिखते हैं, देखते हैं ये काम करता कि नहीं करता, देख लीजिए ये रहा, तुरंत इसने मैसेज दिया प्लीज टाइप ओनली पी एंड ए, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या चाहते हैं इसमें, हम ये चाहते हैं जो भी प्रेजेंट हम लिखें वो ग्रीन में आए और एब्सेंट हमारा रेड में आए, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना है हमें, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है दोस्तों अपना होम पे, होम पे जाने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स वाले पे और यहां पे इक्वल, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट यानी कि पी लिखेंगे तो हमें वो ग्रीन कलर में चाहिए दोस्तों, यहां पे इसको ओके करना है, फिर अगेन जाना हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, ये रहा और इक्वल, और अगर हम एब्सेंट लिखें तो रेड कलर में आना चाहिए, ठीक है, ये रहा। अब हम देखते हैं कि ये काम करता कि नहीं करता, पी फॉर प्रेजेंट टाइप करते हैं तो देख लीजिए दोस्तों ग्रीन में आ रहा है, ए का और देख लेते हैं ये रेड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहां पे समय को बचाने के लिए दोस्तों पिछली वाली शीट से डेटा को उठा लेते हैं, ठीक है, यहां से हमने सेलेक्ट किया इसको कॉपी और हमने यहां पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये रहा, ठीक, हमने यहां से इसको किया सेलेक्ट और यहां पे कर दिया हमने इसको पेस्ट, ठीक है दोस्तों।
ये केवल आपको समय को बचाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर अब हमें निकालना है टोटल प्रेजेंट, ठीक है। तो टोटल प्रेजेंट के लिए जो फॉर्मूला लगेगा दोस्तों वो लगेगा इक्वल काउंट इफ, ठीक है दोस्तों, काउंट इफ, और आपको पहले स्टूडेंट्स की रो को सेलेक्ट करना है एब्सेंट और प्रेजेंट वाला, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यहां प्रेजेंट के लिए पी और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ठीक है दोस्तों। यहां पे सेम नीचे ड्रैग करेंगे, ठीक है। टोटल एब्सेंट के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, इक्वल काउंट इफ डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कोमा इन्वाइटेड कोमा एब्सेंट के लिए ए ब्रैकेट क्लॉज देन एंटर, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए 18/8/26, क्योंकि 30 दिन का हमारा सितंबर है, 4 संडे, तो टोटल 26, 26 में से 8 हमारे एब्सेंट और 18 हमारे प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों। अटेंडेंस परसेंटेज के लिए जो निकालना है हमें, वो निकालना है दोस्तों यहां पे परसेंटेज, वो कैसे निकालना हूं, प्रेजेंट के द्वारा निकलेगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेजेंट को सेलेक्ट करना है, टोटल 26 डेज देन एंटर, ठीक है दोस्तों। यहां पे हमको ये इसको ड्रैग करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाने के बाद जो ये जनरल है यहां पे आपको परसेंटेज लिखना है, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज पे क्लिक करना है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे जो है हम देखते हैं कि ये काम करता कि नहीं करता, जैसे हमसे कभी गलती से एब्सेंट लिख जाए, ठीक है, और हमें उसको प्रेजेंट करना हो तो क्या करना है, ठीक है। पी टाइप करेंगे तो यहां पे ये चेंजिंग होगा कि नहीं होगा अपना, ठीक है। देख लीजिए हमने पी टाइप कर दिया, देख लीजिए दोस्तों हो गया है, ठीक है, ये हो रहा है दोस्तों अपने आप, ठीक है। देख लीजिए यहां पे करके देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो रहा है अपने आप यहां पे, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक। अब इसका हम थोड़ा कलर कर लेते हैं दोस्तों, यहां पे कलर इसको, ये ठीक है दोस्तों, इसका भी थोड़ा कलर ये रहा, वो इसको येलो, ठीक है, ये रहा। और इसमें देखते हैं रेड कलर कैसा लगता है, सही लग रहा है, नहीं दूसरा कलर लेते हैं दोस्तों, ब्लैक ही रहने दीजिए और इसका येलो, ठीक है, या ठीक, इसका भी हमें येलो कर, ठीक है, हो गया दोस्तों। देख लीजिए ठीक, इसका कलर थोड़ा चेंज करके देखते हैं, ये ज्यादा ही चमक रहा है दोस्तों, अब से यार, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, ये वाला जो संडे है हम चाहते हैं ये पूरा इसमें आ जाए, ठीक है, तो यहां इसको सेलेक्ट करना है और आपको मर्ज कर देना है, ठीक है, ये आप एक साथ भी इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ, ये ठीक है, हो गया। आप इसमें संडे पूरा भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए हो गया। यहां भी अगर आपको करना है तो ये यहां आप कॉपी भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। ये इसका थोड़ा साइज बढ़ा के देख लेंगे दोस्तों कि अब सही लग रहा है दोस्तों, ठीक है, सेट नहीं, ठीक है दोस्तों। और ये जो डेट है इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि काला थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है दोस्तों, ठीक है, ठीक। इसमें अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों।
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।